डिज़ाइन जो है ना ये मैनेजमेंट ने लिखा है, खुद अपने हाथों से टाइप किया कंप्यूटर पे, और 100-150 बंदे जो थे पहले लेडीज़ को बुलाया, उनको डराया धमकाया, उनसे सैन लिया, ये है कि हम आपको नहीं निकाल रहे, आप खुद जा रहे हो, इसके ऊपर लिखा हुआ है, बदतमीज़, गालियाँ भी दी हैं। हमारा क्या कसूर है ये बताएं हम, हमारा क्या कसूर है, हमें ये धूप में खड़े हुए छोटे छोटे बच्चे शोर बीमार है, ना हमारे को हिसाब दे रहे ना कुछ। और सिर्फ प्रोसेसिंग से 270 बंदे को निकाले हैं, बाकी ऊपर की डिपार्टमेंट के तो बंदे अलग हैं। यहाँ पे तकरीबन अगर हिसाब लगाएगा तो 5-6 हज़ार से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं तीनों शिफ्टों में मिला के। 2 महीने का किराया हमारे ऊपर चढ़ गया है, अब बताएं हम कहाँ से देंगे 2 महीने का किराया, ना हमारे खाने को है, कुछ राशन नहीं है, कुछ नहीं, हम कैसे गुजारे अपनी ज़िंदगी हमें पता है। जब हम लोगों को निकालना चाहते हैं तो निकाल देते हैं ये लोग, और हमारे साथ इतना जुल्म करते हैं हम लोगों को, और बोनस नहीं देते हैं, हमारा राशन खाते हैं ये लोग, इतना राशन इन लोगों ने जमा किया, ये बड़े बड़े लोग खाते हैं ये, हम अपना चूल्हा कहाँ से जलाएंगे, हमें सैलरी नहीं देते, टाइम से सैलरी नहीं देते हम लोगों को। तकरीबन 17,500 सैलरी थी हमारी, हमें निकाल दिए थे, बोले आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको निकाल दिए थे, अगर हमें छोटे वर्करों को निकालते तो बड़े वर्कर निकाल लेता कुछ ना कुछ तो होता, बड़े वर्करों का 1-2 लाख सैलरी होती है और गरीबों लोगों को निकालते हैं, ये तो कोई इंसानियत तो नहीं है। आगे आ रहे ईद, घर में कुछ है ही नहीं, ना राशन ना पानी का कुछ, ना कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारे किराए का घर है, हमें 10-10 साल नौकरियां की, इन लोगों ने हमें निकाल दिया, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे से ज़बरदस्ती सैन लिए गए, एक तो हमारी नौकरी गई, दूसरा हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं। जैसे ड्यूटी पे आते ना तो कार्ड जो है ना इन होता है, वो कार्ड इन नहीं हो रहा था, तो कार्ड इन नहीं हो रहा था तो बंद हो गया था ना कार्ड, बोलता अभी तुम लोग जाओ घर पे बैठ जाओ। कोरोना अल्लाह ने भेजा, बंदों ने नहीं भेजा, लेकिन हमें रोजी से क्यों मुतासर कर रहे, गलत बात। ये जो मसला हुआ है, हमें 17 अप्रैल से कॉल आई थी कि आपको जो है ना 31 मार्च से फैक्ट्री ने स्टॉप कर दिया है, आपको जब बुलाया जाएगा फिर आप हिसाब ले लें या जो भी होगा बताएंगे आपको। एडमिन से हम खुद होते हैं, हम कहाँ से कॉल करेंगे, एडमिन से तो मैं हूँ। लालू बात कर रहे हैं? हाँ मैं लालू, आप कौन? हाँ लालू, मैं लकी टेक्सटाइल HR डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ जी। ठीक है, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करी है कि अभी मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, कंपनी प्रोडक्शन ना होने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, आपकी सर्विस जो है वो 31 मार्च तक पार्सल इनएक्टिव कर दी है, क्लोज कर दी गई है। तो इन फ्यूचर जब दोबारा भर्तियाँ स्टार्ट होंगी, हम दोबारा आपको हायरिंग के लिए अप्रोच कर लेंगे। चलें भाई, ठीक है,